इस कार्यक्रम को विशिष्टता प्रदान कर रहे विशिष्ट अतिथि जी और हर कार्यक्रम के महत्वपूर्ण हमारे दर्शक। वर्तमान समय सनातन धर्म के प्रति उदासीनता का समय है। अधिकतर लोगों का यही मत है कि सनातन धर्म जीवन की उन्नति के लिए आवश्यक नहीं है, परंतु जब धर्म लुप्त हो जाता है तब अर्थ और काम में फंसे हुए लोग कुत्तों और बंदरों के समान बन सकल हो जाते हैं। केवल अर्थ और काम से युक्त जीवन पशु जीवन के समान है। तो आखिर क्या है सनातन धर्म? इसे इस प्रकार समझे कि जहाँ धर्म है वही जय है, वही सफलता है, वही सुख है। परंतु वर्तमान युग विज्ञान का है, तर्क का है। इस समय कोई भी बात कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, जब तक तर्क और वितर्क की कसौटी पर खड़ी न उतरे तब तक लोग मानने को तैयार नहीं होते। मैं हंसु कक्षा 12वीं की छात्रा अन्य तथ्यों के आधार पर आपको बताने का प्रयत्न करूंगी क्यों सनातन धर्म को श्रेष्ठ धर्म तथा विज्ञान का आधार भी कहा जाता है। सनातन धर्म में विज्ञान की लगभग सभी शाखा से जुड़े लेख मौजूद हैं, जिन्हें शास्त्र कहा जाता है, क्वांटम भौतिकी से लेकर खगोल भौतिकी तक। उदाहरण के लिए अब तक की इंजीनियरिंग की सबसे जटिल शाखा एरोनॉटिक्स से जुड़ा काफी उन्नत ज्ञान विमानी का शास्त्र में पहले से ही मौजूद है और वैज्ञानिक प्रयोग में भी इस शास्त्र में बनाए गए मॉडलों को सही पाया गया है। दूसरा शास्त्र है मयंकम, जिसमें भवन निर्माण की इतनी उन्नत तकनीक बताई गई है जो आज कहीं भी उपलब्ध नहीं है। इस शास्त्र में बताया गया है कि प्राचीन भारत के लोग पत्थरों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रकार के आयुर्वेदिक गाय का उपयोग किया करते थे, जिसकी आयु लगभग हजारों वर्ष थी। ये आधुनिक कंक्रीट जिसकी आयु 100 वर्ष है उससे काफी अधिक है। सिरपुर भारत का सिरपुर किला मंदिर इसका एक जीता जागता उदाहरण है, जो 11वीं सदी के जबरदस्त भूकंप को भी बड़ी आसानी से सहन कर गया था। इसमें इस तरह के भूकंप रोधी तरीके बनाए गए कि ये बड़े भूकंप को भी झेल सके। तो महोदय अब आप बताइए इस तकनीक को उन्होंने जितने बना लिया होगा? नहीं महोदय, इस तकनीक में ही उन्होंने भूकंप का काफी बारीकी से विश्लेषण किया होगा। जून 2011 में पाकिस्तान के पूर्वी इलाके से एक मानव खोपड़ी खोजी गई, जिसके ऊपर विश्व की सबसे पुरानी ट्रेन सर्जरी की गई थी। यह खोपड़ी लगभग 4300 वर्ष पुरानी थी। सुश्रुत संहिता में इस प्रकार की सर्जरी का सीधा उल्लेख है। यह सब सबूत है हमारी संस्कृति के वैज्ञानिक होने का। तो महोदय अब आप बताइए आधुनिक समय में पहली ब्रेन सर्जरी कब की गई होगी? श्रीमान नैदानिक कितने ही उदाहरण है जो यह सिद्ध करते हैं कि विज्ञान की उत्पत्ति सनातन धर्म से ही हुई है। अगर हम अपने धर्म ग्रंथों में वैज्ञानिक पक्ष नहीं खोज पाते तो यह हमारी कमी है, शास्त्रों की नहीं। यदि अनुभव श्रेष्ठता व उत्पत्ति काल के संदर्भ से देखा जाए तो संसार के अन्य धर्म हमारे सनातन धर्म के पोते बड़े पोते छोटे पोते आदि की जगह नहीं ले सकते। तो हम सब मिलकर इस बात का गौर क्यों न करें कि हम उस हिंदू संस्कृति उस सनातनी संस्कृति को मानने वाले हैं जिसने जंगलों में नग्न घूमती दुनिया को सभ्यता सिखाई, सामाजिक व्यवस्था सिखाई और जीने का तरीका सिखाया और सदियों से अनगिनत अत्याचार सहकर भी